part, I suppose. I'm Salim Maghul, Assistant Professor APEDA, and earlier I used to work for Regional Office Jammu and Kashmir. Right now I'm our Delhi headquarter. And I will be delivering my presentation about the export potential and initiatives of UT, Jammu and Kashmir. Can you just give me a brief about the participants? Hello? Ma'am, I will introduce you to the participants. Actually, we are having 25 participants. So, few are students here. They are MSc and PhD students. And few are entrepreneurs. Graduate, postgraduate entrepreneurs. So, they have their own business unit over here. That's all about the participants. Okay. May you proceed? ओके डन एक्चुअली मैं आपसे पार्टिसिपेंट्स के बारे में इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ना अकॉर्डिंगली आई वुड लाइक टू गिव प्रेजेंटेशन तो जो हमारा फोकस APEDA का है दैट इज मेनली एक्सपोर्ट्स बट आई विल ट्राई टू स्टार्ट विद जम्मू एंड कश्मीर देखो जो जम्मू कश्मीर है इट इज नॉट ओनली द लैंड ऑफ फ्रूट्स नॉट ओनली द लैंड ऑफ वेजिटेबल्स नॉट ओनली फ्लावर्स लाइक अगर हम किसी भी चीज का नाम लें दैट इज अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर चाहे हम टेम्परेट चीजों की बात करें जो कि हमारे कश्मीर बेसिन में मिलेगा चाहे हम अपने सब ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स की बात करें हमारे जम्मू वाले रीजन में मिलेगा अभी तो लद्दाख खैर अलग हो गया बट स्टिल जे एंड के में हमारा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम लें हमारे यूटी में अवेलेबल है जैसे कि हमारी एम्पल प्रोडक्शन देखी जाएगी एप्पल की वॉलनट एलमंड्स चेरीज ना खाली ये सब बट सैफरन जो है केसर जिसको हम लोग गोल्ड के नाम से लाइक द लैंड ऑफ गोल्ड पामपुर वाले एरिया को लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है हमारा जो एरिया है उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं एग्रीकल्चर में हो हॉर्टिकल्चर में हो सेरिकल्चर की बात करें फिशरीज की बात करें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस चीज़ के लिए अगर हम अल्लाह ताला दैट इज लाइक हो कम है एंड एक बहुत अच्छी बात ये है कि हम लोगों का जो जे एंड के में दो एग्री एक्सपोर्ट जोन भी बने हैं एक एप्पल और एक वॉलनट एप्पल्स का शॉप बनना है एंड वॉलनट्स के लिए इट इज उपवारा हम अपने पोटेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें आई मे बी जो हमारा जो एरिया प्रोडक्शन है आई हैव टेकन इट इट्स डेटेड बैक टू 2021 मे बी इट वुड हैव चेंज्ड राइट नाउ तो हमारे मेजर जो क्रॉप्स वहाँ से पोटेंशियल प्रोडक्ट्स है एप्पल चेरी वॉलनट हनी सैफरन राइस राइस में इतनी सारी वैरायटीज बासमती हो मुश्क गुच्ची हो रेड राइस हो हमारा इवन वी आर कल्टिवेटिंग ब्राउन राइस वैरायटीज कहीं कहीं पे मुश्क गुच्ची को टोटली तो रिवाइव कर लिया स्कॉच ने अभी एंड गुच्ची इज अगेन वो एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि जिसका मैंडेट है एक्सपोर्ट्स को देखना हर डिपार्टमेंट जो होता है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो उनके अपने अपने फंक्शंस मैंडेट्स डिस्क्राइब होते हैं और हमारे भी मैंडेट्स फंक्शंस कुछ डिस्क्राइब है वी आर प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारी जो प्रेजेंस है वो दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर और हमारे 13 रीजनल ऑफिसर्स है जम्मू एंड कश्मीर में हमारा रीजनल ऑफिस एक जम्मू में है एक श्रीनगर में है
दोनों ऑफिसेज 2021 में हमने एस्टैब्लिश किए हैं एंड जब से हमने ऑफिसेज एस्टैब्लिश किए हैं नॉन स्टॉप एफर्ट्स हमने लगाए हैं ताकि हम लोग एक्सपोर्ट्स को ड्रिफ्ट कर सके पहले से. आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी हम लोग कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं इस चीज़ में. हम लोगों का जो मैंडेट है इट इज़ प्योरली फॉर एक्सपोर्ट्स. हम लोग एक्सपोर्टर्स को रजिस्टर करके उनको अपने जो हमारे शेड्यूल प्रोडक्ट्स हैं वो भी बताऊंगी कौन कौन से हैं आगे के स्लाइड में, उनको रजिस्टर करते हैं एज एक्सपोर्टर्स. हम लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, पैकेजिंग में हेल्प करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, मार्केटिंग में हेल्प करते हैं इम्प्रूवमेंट. हम लोगों का मोटिव ये होता है एज अ बिजनेस मैन, चाहे आप लोकल में करें या कहीं पर भी, हम लोगों का मोटिव ये होता है कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ करना है. चाहे ये प्रोडक्ट आप लोकल मार्केट में डिस्पोज ऑफ करो, चाहे ये प्रोडक्ट आप कहीं और जाके करो. तो ऑप्शंस क्या रहते हैं हमारे पास कि सबसे पहला हम लोग लोकल मार्केट में देखते हैं. जब स्टार्ट या स्मॉल बिजनेस मैन होगा वो लोकल मार्केट में जाता है मेरा प्रोड्यूस या मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिके. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होता है, कि वो प्रोडक्ट जो है लोकल मार्केट से बाहर जा, कोई भी इंडिया में कोई भी स्टेट, जैसे अभी हमारा किसी भी प्रोडक्ट की वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, इंडिया सॉरी कश्मीर से बाहर जाते हैं इंडिया के बाकी सारे रीजन्स में, वो हो गया हमारा नेशनल मार्केट. एंड थर्ड इज एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट हमारे बाउंड्री के बाहर जब जाता है, इंडिया की बाउंड्री के बाहर. इंडिया की बाउंड्री के बाहर मीन्स इवन इफ इट गोज टू बांग्लादेश, इवन इफ इट गोज टू नेपाल और एनी अदर कंट्री. बांग्लादेश तो हमारा इतना सारा प्रोडक्ट, इतना सारा एप्पल मेजर जो हमारा डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कश्मीरी एप्पल्स का, वो बांग्लादेश है. एंड सी व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, अगर हम ये बात करें कि इम्पोर्टेंट क्यों है. और जो हम लोगों का नेशनल मार्केट है, अगर हम प्राइस के कंपैरिजन में जाएंगे, हम लोगों का जो प्राइस है वो अगर नेशनल मार्केट में 600-700-800 वट एवर फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी वो आ रहा है, तो दैट मीन्स अगर हम इसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे वी विल गेट अ प्रीमियम प्राइस. प्रीमियम प्राइस मतलब 600-800 प्लस एक्स परसेंटेज. एक्स परसेंटेज जो है वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की डिमांड कैसी है, उस कंट्री में लोगों का लाइफ स्टाइल या लोगों का कंट्री कैसी है, डेवलप्ड कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है. डेवलप्ड कंट्री में करेंगे ऑब्वियसली हमारे प्राइसेस बहुत हाई आएंगे. एंड इन सब चीज़ों की वजह से हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म बनता है हमारे प्रोडक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में. अभी तक एक ये होता था कि एक ट्रेंड होता था कि कश्मीरी प्रोडक्ट हम लोगों को कहीं पे आई डोंट थिंक कि किसी कंट्री में दिखाई पड़ता था. लेकिन 2021 से बात ऐसी है, हम लोगों ने इतने सारे प्रमोशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं. हम लोगों ने चाहे वीकली बेसिस पे डिफरेंट हाइपरमार्केट्स के साथ हम लोगों ने बहुत सारे प्रमोशन प्रोग्राम्स के बगैर वर्कशॉप्स किए हैं. हम लोगों ने कुछ ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज किए हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को टिपिकल वो एक शेल्फ स्पेस प्रोवाइड की है. एंड एक बहुत अच्छी अचीवमेंट ये है कि हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ लुलु ग्रुप की मदद से बहुत सारे प्रमोशन प्रोग्राम्स यूएई में कराए हैं. एंड अभी मिडल ईस्ट में कश्मीर के प्रोडक्ट्स इन द नेम ऑफ जम्मू कश्मीर बिक रहा है, नॉट इन द नेम ऑफ एनी अदर और लाइक अदर दिस. एंड मोर ओवर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कॉस्ट अपेडा और लुलु ग्रुप के बीच में एक MOU हुआ जिसमें हम लोगों ने स्कॉस्ट को इन किया कि स्कॉस्ट के पास जो भी अभी FPOs है या उनके पास जो भी entrepreneurs या startups हैं वो उनसे एक रेगुलर सप्लाई लेके रखेंगे ताकि लुलु ग्रुप को आगे वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे. प्रोक्योरमेंट चेन बनेगी ऐसे कि लुलु ग्रुप को जब भी कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा J&K से तो स्कॉस्ट विल बी द आइडियल पर्सन फॉर देम. स्कॉस्ट विल बी एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देम जहाँ से वो अपना प्रोडक्ट ले आएंगे. एंड स्कॉस्ट हैज टू गेट द प्रोड्यूस फ्रॉम FPOs एंड ऑब्वियसली entrepreneurs and the budding like startups like you. What kind of support we as an organization provide?
हम एज ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के एक नॉलेज पार्टनर, वो तो है ही है नॉलेज पार्टनर, आपको कोई भी ट्रेड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, हम लोगों के शेड्यूल प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी इंपोर्टिंग कंट्री की रिक्वायरमेंट चाहिए, किस कंट्री में जाने के लिए आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, वी रेगुलरली हम लोग अपनी वेबसाइट पे ये सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं एंड रेगुलरली अपडेट करते हैं. Second is financial assistance. I will come to in other slides. Buyer seller meet, trade fair exhibitions हम regularly organize करते हैं, चाहे India में या India से बाहर. And हम लोगों का एक motto खास कर ये होता है कि जम्मू कश्मीर से जो exporters होते हैं हमारे पास, हम उनको on priority buyer seller meet, trade fair and exhibitions. अभी recently हमारा trade fair हुआ था World Food India. वो इंडिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड फूड एग्जिबिशन था जो कि 3-5 नवंबर हुआ न्यू दिल्ली में. एंड हम लोगों ने एक्सपोर्टर्स को मोबिलाइज किया जम्मू कश्मीर से ताकि अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ डिस्प्ले करें. एंड वी प्रोवाइड देम स्पेस, हम लोगों ने अपेडा पवेलियन में उनको स्पेस दिया एंड उनका इतना अच्छा बिजनेस वहाँ जनरेट हुआ. लाइक कुछ के क्वालिटीज तो बहुत अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ईयू से आ गए सैफरन एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स के लिए. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हम लोग रेगुलरली खुद भी एंड डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करके भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि हैंड होल्डिंग हो जो हमारे बडिंग स्टार्टअप्स है या फिर उनको कन्वर्ट करके एक्सपोर्टर, वी रेगुलरली डू इट. एंड ट्रेड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट इज अवेलेबल ऑन आवर एग्री एक्सचेंज पोर्टल. एंड हम लोग का एक बहुत अच्छा फीचर है फार्मर कनेक्ट पोर्टल, जहाँ पे हम लोग FPOs को कनेक्ट करते हैं विद द इम्पोर्टिंग या जो भी हमारे होंगे, सो दैट दे कैन पोस्ट अ लीड ऑन दैट एंड जो भी मैचिंग उनका फिर रिक्वायरमेंट होता है दे कैन गेट इट टू इट. फाइनेंशियल असिस्टेंस रह गया था. फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपको डिटेल में बताऊंगी. फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोग 3 पैरामीटर्स में देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी डेवलपमेंट. एंड फॉर J&K फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोग 75% तक देते हैं, विच फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया इज जस्ट 40%. इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए तो डिटेल इज हियर. इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए तो पैक हाउस की बात करेंगे. हम लोग नॉर्मली कश्मीर में मिसनॉमर है कोल्ड स्टोर. कोल्ड स्टोर नहीं, पैक हाउस, एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस जहाँ पे सारी फैसिलिटीज हो आपके. जहाँ जब आपका आइडियली कश्मीर में एप्पल के ज़्यादा कोल्ड स्टोर्स है, पैक हाउसेस है, वो है कि जहाँ से आपका प्रोड्यूस एंटर होता है आपके दिस इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके पैक हाउस में, वहाँ से लेके टिल द एंड पॉइंट आपके पास सारी फैसिलिटीज उस पैक हाउस में होनी चाहिए. उस चीज़ के लिए भी हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, चाहे फिर उसमें. लेकिन कोल्ड स्टोर जो होता है दैट इज़ वन पार्ट, उसका एक पार्ट होता है. लाइक पहले आप सॉर्ट करते हैं ग्रेड. अगर आप में से कोई किसी पैक हाउस में गया होगा, उसने देखा होगा कि कैसे ऑपरेशंस होते हैं. एप्पल पहले आता है, फिर उसमें प्रॉपर इंस्पेक्शन करके वो फिर ग्रेडिंग के पास होता है, बीच में वॉश होता है, वो मैनुअल ग्रेडिंग भी करते हैं, उसके बाद वो थॉरली उसको लाइक ग्रेडिंग करके उन्हीं पैकेजिंग में देते हैं. लाइक ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, अकॉर्डिंगली वो फिर जिस तरीके का बॉक्स होगा लाइक 1 kg, 2 kg, 3 kg, अकॉर्डिंगली वो पैक होके वापस रिटर्न हो जाता है. एंड इन एनी केस अगर वो हॉल्ट हो गया आपके पैक हाउस में, मतलब उस दिन उसका शिपमेंट नहीं होगा, उसको अगले दिन लेके जाना होगा, तो उस पैक हाउस में वैसी वो फैसिलिटी होनी भी चाहिए कि कोल्ड स्टोर हो, वो उधर वो उठा के वो कोल्ड स्टोर में वो अपना प्रोड्यूस रख पाए ताकि उसके ख़राब होने के चांसेस ना हो. मैं स्पेसिफिक एप्पल यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा एप्पल्स है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना दे आर लाइक पैक्ड इन दीज काइंड ऑफ पैक हाउसेस. एंड पैक हाउस को चाहे अगर हम लोगों को कोई अब जब हमें शिपिंग करनी होती है, हम लोगों को लस्सी पोरा से प्रोड्यूस लाना है और हम लोगों का शिपमेंट जो है वो बॉम्बे से है. मैं एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आए. लस्सी पोरा से लेके हमें मुंबई जाना है,
बट हमारे पास कोई ऐसा मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है कि जिसमें इसका ट्रांसपोर्ट, इसकी कंडीशंस, जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंटेन रहे. तो फॉर दैट आई नीड अ रेफरल. उसमें आपका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड रहता है, उस चीज के लिए भी वी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस विद द सीलिंग ऑफ 200 lakhs, असिस्टेंस अप टू 75% फॉर ऑल JNK. केबल हैंडलिंग सिस्टम आ गया हमारा क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, लाइक जो भी हम लोगों के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं दीज काइंड ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज. फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग फैसिलिटी. प्रोसेसिंग फैसिलिटी में हम लोग कोई भी जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन करते हैं. एप्पल से जाम बनाया, इसे जूस या कॉन्सेंट्रेट बनाया, ऑरेंज से जूस बनाया, बनाना से बनाना चिप्स बनाया और समथिंग लाइक दैट. एंड मोर ओवर अपग्रेडेशन ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज के लिए भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और चीज़ है, दैट इज़ फॉर द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक वी प्रोवाइड असिस्टेंस अप टू 90% अप टू द सीलिंग ऑफ 600 lakhs, बट इट इज जस्ट फॉर पब्लिक स्टेट वर्कर्स. इसमें जो हमारा कॉस्ट का एक पैक हाउस है, आप शहनाज मैम इनको दिखा भी सकते हैं, जो कॉस्ट जो अपेडा ने फाइनेंस किया है एक पैक हाउस कॉस्ट में, जो कि कश्मीर का सबसे पहला पैक हाउस था. एंड दैट वाज अ मॉडल पैक हाउस फॉर ऑल द जम्मू एंड कश्मीर एरिया. उसको देख के फिर लोगों ने अपने पैक हाउसेस को बनाना इनिशिएट किया. एंड नाउ दे आर ऑल्सो अभी 20 कॉस्ट एक और प्रपोजल लेके है कि अपनी एक दूसरा एक पैक हाउस बनाना चाहता है विद द मॉडर्न फैसिलिटीज. एंड वी ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम. मोर ओवर हमने एक लेबोरेटरी कॉस्ट में दी है, RCRQA लेबोरेटरी. वो भी अगर पॉसिबल हो आप इनको एक विजिट कराइए ऊपर अपने लैब में, जहाँ पे आप देखेंगे कि कश्मीर में वी आर नॉट एबल टू हैव, हमारे पास कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कराए वहाँ पे. बट विद द हेल्प ऑफ अपेडा जो स्कॉस ने वो लैब इस्टेब्लिश की, हम लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंस उसमें आई थिंक अप टू 6 crore का वो प्रोजेक्ट था वो हमने दिया. एंड अभी हमारे पास एक इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स की लैब है, सो दैट अभी वाले एक्सपोर्टर्स को दे डोंट नीड टू गो हेयर एंड देयर. जो पहले वाले एक्सपोर्टर्स हुआ करते थे दे हैड टू, मुझे एक इंसिडेंट ऐसा याद है कि हनी का टेस्ट करना था एंड हनी के टेस्टिंग के लिए हमें प्रोडक्ट को कश्मीर से चेन्नई भेजना पड़ा फॉर टेस्टिंग बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट फैसिलिटी. तो उसमें जो कॉस्ट इनकर होते थे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स तो पीछे हट जाते थे उस टाइम पर. तो वो फैसिलिटी अभी आपके प्रमाइसिस में है, अभी घर में है वो सब चीज़ें. तो यू कैन अवेल दोज फैसिलिटीज़. एंड इनफैक्ट अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रपोजल है यू कैन कम. क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए देखो जैसा इसका नाम बोलता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी क्वालिटी को एनहांस करे, कोई भी एक ऐसा पैरामीटर आप चाहते हैं जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकता है, उसके लिए भी अपेडा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. एंड मोर ओवर सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए या स्टडी टूर्स के लिए वी ऑल्सो प्रोवाइड दैट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. एंड सेमिनार्स, वर्कशॉप्स दैट वी रेगुलरली डू विद कॉस्ट एंड ऑल. दिस इज ऑल्सो क्वालिटी डेवलपमेंट जिसमें लेबोरेटरीज का सेटअप है. एंड कभी कोई प्रोडक्ट होता है जिसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उस टेस्टिंग के लिए भी आप पैसा रिइंबर्स करा सकते हैं. एंड अगर आप अपनी लैब को, हमारी लैब्स अपेडा की एक लिस्टेड कैटेगरीज होती है लैब्स की एक्रेडिटेड, एंड दोज लेबोरेटरीज आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज आल्सो. तो उनमें भी अगर आप चाहते हैं अपना अपग्रेडेशन, दैट वी आल्सो कैन डू. क्वालिटी डेवलपमेंट में हमने एक चीज़ ऐड किया, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत मतलब कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया जिसकी वजह से लाइक हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हो वो मीट आउट हो सके,
अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है, यू कैन कम अप विद अ प्रपोजल एंड वी कैन सी हाउ वी कैन प्रोसेस इट फर्दर. मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट में जैसे मैंने आपको कहा, अपना रेगुलरली बार्सिलोना मीट, ट्रेड फेयर, दिस एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करता रहता है. दैट वे जे एंड के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं जे एंड के एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, कि वहाँ से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो डेफिनेटली उस फेयर में आए एंड दे कैन अवेल द बेनिफिट्स. एंड इन केस अगर आपका ट्रायल शिपमेंट है किसी नए प्रोडक्ट का और आपको पता नहीं है मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा, आप पहली बार कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट हमारे रीजन से पहली बार जा रहा है, हमारे इंडिया से पहली बार जा रहा है, फॉर दैट वी आल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस. अगर आपको इस बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए abeda.gov.in, उस पे हम लोगों का डिटेल्ड जो भी मैंने कहा सब डिटेल में मिलेगा आपको. फाइनेंशियल असिस्टेंस में जाइए एंड यू कैन गेट आर डिटेल्ड जो हमारा गाइडलाइन है. इनिशिएटिव्स जो अभी तक हमने जे एंड के से किए हैं, हम लोगों ने जे एंड के से फ्रॉम नेग्लिजिबल स्टार्ट किया है, फ्रॉम ज़ीरो. एंड आफ्टर दैट स्टार्ट करते करते एंड 2021 इट वाज अ कोविड टाइम, हम लोगों ने स्टार्ट किया मिश्री वैरायटी चेरी, उसका फ्लैग ऑफ कराना एंड फ्लैग ऑफ टू यूएई. एंड उसका इतना अच्छा रिस्पांस था कि जिस दिन प्रोडक्ट पहुंचा, जिस दिन डिस्प्ले हुआ, उसी दिन सारा का सारा प्रोडक्ट खत्म हो गया. इट वाज रियली एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया इंक्लूडिंग कंट्री के कंज्यूमर्स ने. साथ ही साथ हम लोगों ने एप्पल्स या बाकी सारी चीज़ों उनके लिए भी रेगुलरली प्रोग्राम्स करते रहे. हम लोगों ने इंटरनेशनल बार्सिलोना मीट ऑर्गेनाइज किया लद्दाख में, सबसे पहला इन द रीजन. सेकेंड मीट हम लोगों ने श्रीनगर में किया, अभी हाल में जून में किया. एंड उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की हम लोगों ने, हम लोग अभी इनफैक्ट जो मैंने ऑर्गेनिक एक्रेडिशन का कहा, जम्मू कश्मीर फेमस है, रिसेंटली हम लोगों ने एक ब्लैक कैरेट और एप्पल प्रमोशन प्रोग्राम किया सऊदी अरेबिया में. वो भी प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी लाइक एक बहुत अच्छी डिमांड दिखाई इम्पोर्टिंग कंट्री के कंज्यूमर्स ने उस चीज़ की. ये सारी कॉमोडिटीज़ जो है अभी आज की डेट में ये सब प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं जे एंड के से. एंड जो प्रोडक्ट कुछ कॉमोडिटीज़ ऐसी हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है बट अभी हो रही है वो भी. लाइक यू कैन सी कि जो हमारा फेमस कश्मीरी वर्कशिप वो तक एक्सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज जिस मिडल ईस्ट में बहुत सारे लाइक इंडियंस रहते हैं और उनको पता है, और तो डिमांड ऐसी है कि वहाँ का लाइफस्टाइल हमारा लाइफस्टाइल लाइक्स ऑलमोस्ट सेम. सो यहाँ के प्रोडक्ट्स की डिमांड उन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर करंटली बीइंग एक्सपोर्टेड एंड द लिस्ट इज राइट नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग दिस बास्केट. नाउ ये सब चीज़ें करने के लिए, अब रजिस्टर करने के लिए अपना में देखो, जब आप लोकल मार्केट को कैटर करते हो आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए. आप नेशनल मार्केट में भी जो आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हो आपको एक लाइसेंस चाहिए, आपको एक लाइसेंस चाहिए जो कि इम्पोर्टिंग कंट्री आपको बताए कि हाँ बंदा रजिस्टर्ड है, एक्सपोर्ट कर सकता है. तो उसके लिए एक कोड आता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जो कि DGFT आपको देता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. वो एक जिस हमें एक हमारे पास एक मार्क होता है, जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास गोल्डन कार्ड है, हेल्थ कार्ड, हमारे पास पैन कार्ड है, हर एक की अपनी अपनी चीज़. लेकिन आई कोड से हमें एक रिकॉग्निशन मिलता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता हूँ. मुझे सऊदी अरब से खजूर इंपोर्ट करने हैं लेकिन मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, वो एक आपके पास कोड रहता है.
उसके बाद आ गया आपका हमारा अपेडा। अपेडा से आपको आरसीएमसी लेनी पड़ेगी। आरसीएमसी इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेने के लिए आपका बेसिक फॉर्मेलिटी है, आपके पास डीजीएफटी से आई कोड होना चाहिए। जब आपका आई कोड होगा देन ओनली एंड आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर दिस आरसीएमसी। आरसीएमसी जनरेशन इज वेरी मच ईजी in on our website, you can just register as member and after that वो automatically इतने सारे forms हम लोग regularly भरते रहते हैं and whenever in case you get any query या कुछ भी ऐसा problem होगा हमारा regional office, concerned regional office है वहाँ से query कीजिए। in fact head office में phone कर लीजिए, registration department में, in case you get any sort of query regarding this। ये मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखा रही हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से। जब हमारा पहली बार चेरी एक्सपोर्ट हुआ था ये तब का है यूएई का, ये हमारा एप्पल एंड ब्लैक कैरेट प्रमोशन प्रोग्राम जब हमने ऑर्गेनाइज किया था। एंड एप्पल्स हमने कुल्लू डिलिशियस रेड डिलिशियस लिए थे एंड ब्लैक कैरेट्स हमने सोर्स किए थे। दिस इज हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का प्रोड्यूस एक प्रमोशन वीक किया था लुलू के साथ एंड जिसमें जेएनके के मिक्स्ड वेजिटेबल्स चले गए। अब देख लीजिए कि पेरिशेबल्स इतने ज़्यादा है प्रोडक्ट्स कि फ्रिज में रखो दो दिन खराब हो जाते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को हम लोग दुबई लेके गए, सऊदी लेके गए, बहरीन लेके गए एंड दिस इज रियली जो अभी हमारे आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स वो कर सकते हैं। एंड इट रियली नीड इंटरेस्ट, इट रियली नीड एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स सो दैट यू कैन गो इनटू इट। दिस इज आईबीएसएम जो हमने सिंगापुर में किया था इंटरनेशनल वायरसिलम में, जिसमें कश्मीर के दो एक्सपोर्टर्स, वन फ्रॉम शोपियन एंड अनदर वन फ्रॉम पामपुर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड ना खाली जेएनके को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, सॉरी अपनी कंपनीज को रिप्रेजेंट किया, दे रियली रिप्रेजेंटेड होल जेएनके, होल इंडिया। एंड दिस इज इंटरनेशनल बायर सेलर मीट जो हमने लद्दाख में किया सबसे पहला। एंड इसके बाद इस बायर सेलर मीट के बाद लद्दाख में जो एप्रिकॉट बैन था एक्सपोर्ट के लिए, बिकॉज कॉडलिंग मॉथ का इशू बहुत है लद्दाख में एंड फर्स्ट टाइम 40-year-old बैन अपेडा ने अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स से विद कोलैबोरेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट हम लोगों ने बैन हटवाया एंड एप्रिकॉट अभी कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट हो रहा है लद्दाख से। दिस इज द लद्दाख एप्रिकॉट्स फर्स्ट टाइम। दिस इज जम्मू कश्मीर प्रमोशन वीक में जो हमारे मिक्स्ड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे वॉलनट सैलमन्स हो गए, हमारा कश्मीरी पिकल वो तक एक्सपोर्ट हो रहा है। दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ द सेम, ये हमारा जे एंड के प्रोड्यूस इन सम यूएई एंड दीज वेयर सम ऑफ द पिक्चर्स। बस एक लास्ट में टू लाइक ब्रीफ, इट इज द थिंग लाइक जे एंड के में अबंडेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आप फोकस कर सकते हैं, लाइक जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वी कैन वर्क ऑन दैट, वी आर रेडी टू वर्क ऑन दैट। एंड अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है और यू रियली वॉन्ट टू डू एक्सपोर्ट, चाहे वो रेगुलरली जा भी रहा है, यू वॉन्ट टू कम इन, आप इस लाइन में आना चाहेंगे, वी आर रेडी टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप ऑफ एक्सपोर्ट सप्लाई चेन। एंड इन केस यू नीड एनी मोर क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस, यू कैन एनी टाइम राइट इट टू मी, कॉन्टैक्ट मी, वट एवर बेस्ट पॉसिबल आई कैन डू इट। एंड आई कैन ऑल्सो जस्ट इन केस मुझसे नहीं हो रहा है, आई कैन जस्ट आस्क माई हायर अथॉरिटीज टू डू इट ऑल्सो। मोर ओवर लाइक फॉर यू एंटरप्रेन्योर्स, फॉर यू स्टार्टअप्स, इट रियली इज लाइक यू, इट टेक्स, जैसे मैंने अभी भी कहा कि एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स की ज़रूरत है, एक लाइक अगर आपके मन में है यू वॉन्ट टू डू समथिंग, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा ध्यान जो है वो हट रहा है। वी आर नॉट, हम लोग अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारी यंग जनरेशन है वो जाना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू गो इनटू इट, दे थिंक इसमें रिटर्न्स उतने नहीं है, पूरी मेहनत जाती है सुबह से शाम,
हम लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे. बट द थिंग इज कि ये सब चीज़ें अब हमें अपने दिमाग से निकाली हैं, बिकॉज एक्सपोजर्स जहाँ पे आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं, एंड बिजनेस इज वेयर यू आर द बॉस. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. इन केस यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो. Thank you.